Guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil. Design of RCC foundations की video series में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले जहां भी होंगे सेफ और स्वस्थ होंगे। चलिए आइए इस सीरीज की बात करते हैं। इस सीरीज के अंदर अब तक हमने कुल 16 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का 17th लेक्चर देख रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस सीरीज को पहले से फॉलो किया होगा और इस सीरीज के पिछले सभी वीडियोस को देखा हो, क्योंकि आप लोगों के लिए इन लेक्चर्स का बहुत खास इम्पोर्टेंस है अपनी कंसेप्चुअल चीज़ों को क्लियर करने के लिए और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो फाउंडेशन या फुटिंग डिज़ाइन है उसको समझने के लिए बहुत खास इसका एक इम्पोर्टेंस है। इसलिए फॉलो कीजिएगा। जो लोग नए हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस सीरीज को पहले से फॉलो कीजिए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। इस सीरीज के लिए प्लेलिस्ट बनाकर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल रखी है, आप वहां से सभी वीडियोस को देख सकते हो। आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने जो है लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 16, इसके अंदर हमने इसेंट्रिक फुटिंग या एक्सेंट्रिक फुटिंग जो भी आपको ठीक है, तो इसेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन हमने शुरू की थी, उसको समझना शुरू किया था। डिजाइन तो नहीं, उसको समझना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि इसेंट्रिक फुटिंग होती क्या है और इसका मतलब क्या होता है, मायने क्या होते हैं और आपको क्या समझना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसेंट्रिक फुटिंग के एग्जांपल को लेकर, एक डिजाइन करेंगे इसके अंदर हम फुटिंग को कि कैसे हम इसेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया, कल यानी हमारा जो प्रीवियस सेशन था, प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर बताया था कि इसेंट्रिक फुटिंग सिर्फ वो नहीं होती जिनके अंदर कॉलम आपका सेंटर से दूर है। इसेंट्रिक फुटिंग वो भी होती है, या इसेंट्रिक फुटिंग एक्चुअली उसे कहा जाता है जिस लोड का सीजी, ट्रांसफरिंग सीजी फुटिंग की सीजी से दूर है, ठीक है। मतलब कॉलम तो सेंटर में है लेकिन लोड का सेंटर दूर है, तो वो कैसे होगा, जब आपके कॉलम के थ्रू मोमेंट भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो हम आज इसी तरह का एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल या मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कैसा हम लेने वाले एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपकी फुटिंग है, ये आपका कॉलम है जो कि बिल्कुल सेंटर पर है और ये उसकी सेंट्रल एक्सिस है और यहाँ पर ये कुछ लोड ट्रांसफर कर रहा है लेकिन साथ साथ में मोमेंट भी आ रही है, तो मोमेंट भी दे रहा है, ठीक है। तो मोमेंट की वजह से क्या होगा कि उसका जो सीजी है लोड का ट्रांसफर होने का, वो कॉलम के सॉरी फुटिंग के सीजी से कहीं ना कहीं दूर हो जाए, तो ये है इसेंट्रिसिटी। इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी। तो अब इस तरह का एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें बदलाव होता है एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रिक फुटिंग, और एक एग्जाम्पल वो भी देखेंगे जिसके अंदर आपकी जो फुटिंग है बिल्कुल एज पर होती है, सॉरी कॉलम जो आपका बिल्कुल एज पर होता है, तब आपको क्या करना है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, सीरीज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। चलिए देखिए, एग्जांपल है कि एक 230x600 mm का कॉलम, ठीक है, 230 बाय एक कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, 230 mm by 600 mm का आरसीसी कॉलम है। ये जो कॉलम है ये सर्विस लोड कैरी कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है फुटिंग की तरफ, वो है 600 kN, ठीक है। कॉलम की मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलम लोड हम इसको मान लेते हैं, कॉलम लोड जो कि है कितना, 600 kN, ठीक है। और ये सर्विस है, ये फैक्टर्ड नहीं है, याद रखिए, ठीक है। इसको हमें फैक्टर्ड करना पड़ेगा आगे 1.5 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज वी आर यूजिंग द लिमिट स्टेट मेथड, ओके। तो 600 किलोन्यूटन का लोड है और मोमेंट जो है वो अबाउट द मेजर एक्सिस यानी MX। तो यहाँ पर MX, मुझे आशा है कि आप लोगों को MX और MY यानी मेजर और माइनर एक्सिस का तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो नहीं है तो पता तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसमें अलग से छोटा सा वीडियो क्लिप बना दूंगा मैं कि माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस किसे कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर MX अगर हम कहें तो वो है हमारे पास कितना, 100 kN × m, ये भी सर्विस है, ठीक है, 100 kN × m, which is also service moment, मतलब ये factor नहीं है, इसको factor करना पड़ेगा, ठीक, जब हम calculate करेंगे तो, okay। और कॉलम की साइज हमें दे रखी है, कॉलम के अंदर जो बार्स है वो 8 bars है 25 mm diameter के, that is also okay, sorry, हाँ, और tie bars, literal ties जो है वो भी 8 mm की है, और concrete इसमें M25 grade का हमें दे रखा है, ठीक है, concrete हमें जो है M25 ग्रेड का कंक्रीट दे रखा है, ठीक है, ये कॉलम का डिटेल हो गया। उसके बाद अगर हम रेनफोर्समेंट की बात करें, HYSD 415 यूज करना है हमें, और फुटिंग की बात करें तो फुटिंग के अंदर जो हमें कंक्रीट यूज करना है, ये डेटा आप सारा लिख लीजिएगा, ठीक है, फुटिंग के अंदर जो कंक्रीट यूज करना है हमें,
कॉन्क्रीट इन फुटिंग, ठीक है, वो है हमारे पास M20 ग्रेड का, जो कि मिनिमम होता है, ठीक है, और ये M25 कॉलम के अंदर यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक डेटा जो कि है, इसमें भी HYSD है और 415 ग्रेड है। हाँ, ABP सॉइल की जो है वो हमारे पास है 200 किलो न्यूटन अलाउबल बेरिंग प्रेशर, ठीक है, वो कितना है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है। चलो डेटा आपके सामने है, ठीक है, ये एट 1.6 मीटर डेप्थ, देखिए डेटा आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डेटा समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो कॉलम डिजाइन करना है ना, उसके लिए जो डेटा की जरूरत पड़ती है, सॉरी फुटिंग जो डिजाइन करना है उसके लिए जो डेटा की जरूरत पड़ती है, वो सारा आपके सामने है नजरों के। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या याद रख लीजिए, आपकी अगर याद शक्ति अच्छी है, ठीक है, आपकी क्षमता अच्छी है तो फिर आप याद कर लीजिए, वरना फिर इसको कहीं कागज कलम से उतार लीजिए, पेन से उसको वहां पर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये तो डेटा है, अब हमें क्या करना है, एक फुटिंग डिजाइन करना है। देखिए इसमें कहीं सवाल में ये नहीं कहा गया कि आपको इसेंट्रिक फुटिंग डिजाइन करना है, गौर से सुनिएगा सवाल क्या है। मैं सवाल जरा पढ़ लेता हूं रिटर्न में जो एग्जैक्टली दे रखा है, और 230 by 600 mm आरसीसी कॉलम कैरीज अ सर्विस लोड ऑफ 600 किलो न्यूटन एंड अ सर्विस मोमेंट ऑफ 100 किलो न्यूटन इनटू मीटर अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, डिजाइन एन आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग विद द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या करना है, एक आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग डिजाइन। अब आपको इसमें इसेंट्रिसिटी तो कहीं दी नहीं है या इसेंट्रिक फुटिंग हमें कहा नहीं है गया, तो फिर हम कैसे करेंगे, हम कैसे इसको एज इसेंट्रिक फुटिंग डिजाइन करेंगे। तो एक चीज आपको यहां पर दे रखी है कि कॉलम आपका जो है वो 100 किलो न्यूटन इनटू मीटर का मोमेंट भी ट्रांसफर कर रहा है, और जब आपका कॉलम मोमेंट भी ट्रांसफर करता है तब आपके फुटिंग के अंदर जो कॉलम की तरफ से लोड ट्रांसफर होता है वो उसका जो ट्रांसफरिंग एक्सिस होती है या पॉइंट होता है वो फुटिंग की सेंटर से कहीं ना कहीं दूर शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को भी हम इसेंट्रिक फुटिंग ही नाम देते हैं और उसको भी एज इसेंट्रिक फुटिंग ही डिजाइन करते हैं, समझ में आई बात। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, इसेंट्रिक फुटिंग देना। अगर मान लीजिए यहां पर MX ना होता तो फिर आप वहां पर जो हमने इससे पहले जो डिजाइन की थी फुटिंग की आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर थ्रू फुटिंग वो बस आप डिटो कर सकते थे, लेकिन यहां पर MX है। अब कई एग्जांपल ऐसे भी होंगे, कई डेटा ऐसे भी होगा आपको MX और MY दोनों ही दे, जैसे उसको हम कैसे बायएक्सियल मोमेंट, ठीक है, ये यूनिएक्सियल है, मतलब एक ही एक्सिस पे लग रही है MX, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये डेटा के आधार पर हमने ये नक्की किया, ये डिसाइड किया, ये तय किया कि हमें अब एक इसेंट्रिक फुटिंग डिजाइन करनी है। अब कैसे करने हैं वो आपको आगे बताता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा जरा इन सब चीजों को, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक जगह कहीं इतनी डिटेल में कोई समझाएगा नहीं ना कोई बताएगा आप लोगों को, कंफ्यूजन आपके बहुत सारे होंगे। कई लोग जो है कंफ्यूजन की वजह से, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, फिर एक वक्त आता है कि उनको नहीं मिलता तो वो फिर वहां पर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढूंढते ही रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको उसकी हद तक तय तक पहुंच जाते हैं, तो वो बहुत कम लोग होते हैं, बिकॉज वहां तक जाना भी एक कला होती है, एक स्किल होती है, ठीक है। चलिए खैर, तो देखिए हम पहले, सबसे पहले हमारा जो तरीका था साइज ऑफ फुटिंग फाइंड आउट करने का, हम पहले सीरीज में पहले से इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं कि सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ फुटिंग फाइंड आउट करना, ठीक है। साइज ऑफ फुटिंग मतलब क्या, मतलब उसका जो प्लान डायमेंशन वगैरह है, ठीक है, वो, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। चलिए तो अब यहां पर हम साइज ऑफ फुटिंग की बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, साइज ऑफ फुटिंग के अंदर उसके लिए हमें सबसे पहले एरिया रिक्वायर्ड जो होता है वो निकालना होता है। क्या होता है हमारे पास, एरिया रिक्वायर्ड हमारे पास जो होता है वो निकालना होता है। और एरिया रिक्वायर्ड के लिए हमें जरूरत किसकी होती है, अगर मैं आपको एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला बताऊं तो टोटल लोड ऑन सॉइल डिवाइड बाय आपका जो एबीपी था वो, ठीक है, ये हो गया आपका एरिया रिक्वायर्ड होगा। अब टोटल लोड ऑन सॉइल कितना है, तो हमें पता है कि हमारा जो कॉलम है वो 600 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफर कर रहा है, और हम फुटिंग का यहां पर सेल्फ वेट एज्यूम करते हैं 8 to 10%, हम यहां पर 10% ले लेते हैं, ठीक है, हम यहां पर डायरेक्टली 10% ले लेते हैं, जो कि ज्यादातर लोग लेते हैं, 60 कर देते, तो ये कितना हो रहा है यहां पर, ये 660, ठीक है, यहां पर होगा, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 660 आपका टोटल लोड है जो सॉइल में ट्रांसफर होगा। अब इस लोड के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, तो अब
ये भी हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 200 है ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 660 डिवाइड बाई 200 इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी निकल कर आएगी 3.3 mm square। ये आपका एरिया रिक्वायर्ड, ये क्या है एरिया रिक्वायर्ड ठीक है। अब इस एरिया के मुताबिक, इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसके प्लांट डायमेंशन को निकालेंगे कि इसकी हमें विड्थ कितनी चाहिए लगेगी कितनी और लेंथ कितनी लगेगी ठीक है। तो हम पहले एक हमारा इक्वेशन हुआ करता था जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करते हैं कि फुटिंग के चारों ओर मतलब कॉलम के चारों ओर जो है कॉलम के फेस से चारों तरफ मतलब दोनों ही दिशाओं में एक्स और वाई के अंदर इक्वल प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं इक्वल प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए उसका एक सिंपल सा तरीका था, वो इक्वेशन कुछ यूं था, हमारे पास कॉलम हमारा कितना है 230 बाय 600 का है ठीक है। तो 200 मतलब 0.23, चलिए मैं आपको यहां पर फिगर ड्रॉ कर देता हूं ठीक है। ये हमारा कॉलम है, ये 230 है और ये 600 है ठीक है। और ये हमारी फुटिंग है जो कि अभी डायमेंशन में पता नहीं है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग ओके। अब यहां से एक्स है और यहां से भी एक्स है ठीक है, यहां से एक्स है यहां से भी। अगर हम बात करें इसके इक्वेशन बनाने की, क्योंकि प्रोजेक्शन दोनों ही तरह सेम है ठीक है, तो 200 मतलब 0.23 230 प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब हो गया ये ठीक है। मैं चल बताता हूं 0.23 प्लस 2x, ये मैंने ये निकाल लिया ठीक है। ये क्या है 0.23 प्लस 2x मतलब ये 0.23 और ये इधर से x और ये इधर से x, बात समझ में आ रही है ठीक है। अब सेम चीज इधर से करूंगा मैं, तो ये कितना है 600 है ना, तो 0.6 प्लस 2x, बात समझ में आ रही है देखिए 0.6 प्लस ये x प्लस ये x तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 3.3। ये आपका एक अल्टीमेट इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा ये एक अल्टीमेट इक्वेशन बनेगा ठीक है। इस इक्वेशन को हमने कैसे बनाया, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। वैसे मैंने इसको पहले भी डिटेल में समझा दिया था, इस इक्वेशन के अंदर डिराइव मैंने किया था काफी पहले ठीक है। तो इस फिगर से आपको यह समझ में आया होगा कि ये x का क्या फंडा है, क्या मतलब है और हमने 2x यहां पर क्यों लिया ठीक है। 2x यहां पर क्यों लिया आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा ठीक है। चलिए तो ये एक आपका इक्वेशन, अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे ये इसका एक अलग से सॉल्यूशन बनेगा, थोड़ा सा स्टेप आपके होंगे इसके अंदर, वो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मैथमेटिकल स्टेप सारे। तो स्टेप्स आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा मुझसे। वैसे अगर आप हमारी सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो ये सब चीजें भी मैंने आपको बता रखी है कैसे करते हैं ठीक है। तो खैर यहां पर अगर हम x की वैल्यू देखें अल्टीमेटली जो निकल कर आएगी वो आएगी यहां पर 0.71 मीटर, कितनी आएगी 0.71 मीटर। तो ये x हमारा कितना है 0.71 मीटर का है ठीक है। अब देखिए अब तक हमने जो रेक्टेंगुलर फुटिंग को डिजाइन किया था वो क्या किया था कि भाई x मिल गया तो फिर हमें b और l दोनों मिल जाते थे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको इसके इसेंट्रिक फुटिंग के पहले मतलब इससे पहले जो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था लेक्चर 16 उसके अंदर भी बताया था कि आपके फुटिंग की डायमेंशन दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक होता है आपका क्यू मैक्स और दूसरा होता है क्यू मिनिमम ठीक है। दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर पहले तो ये सेटिस्फाई करनी होती है और इसके अंदर SBC जो ABP हमारा जो है उसको भी यहाँ पर कंपेयर करना होता है ठीक है। मैं आपको बताता हूँ चलिए, तो हमारे पास x तो आ गया ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे दोनों में से कोई एक डायरेक्शन x के मुताबिक तय कर लेते, दूसरी जो डायरेक्शन होगी वो हमें क्यू मैक्सिमम क्यू मिनिमम और ABP इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही तय करना होगा, हम डायरेक्टली उसको तय नहीं कर सकते, इसका रीजन है आगे बताऊंगा आपको। पहले देख लेते हैं कि यहां पर अगर हम बी को, चलिए हम कहते हैं कि बी को हम एक्स की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा बी है ठीक है, ये हमारा बी है, तो 230 प्लस 2x यानी 2 × 0.71 कर लीजिए ठीक है, 2 × 0.71 कर लीजिए ठीक है। तो आपकी जो बी की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ रही है 1.7 मीटर, कितनी आ रही है 1.7, ये राउंड अप करके मैंने लिखा है ठीक है। तो 1.7 आपका बी आ चुका है, कितना आ चुका है इज इक्वल टू 1.7 मीटर, ये वैल्यू है ठीक है। अब बारी आती है इसकी लेंथ की, लेंथ आप क्या करोगे लेंथ के लिए, ये जो चीज है इसका क्या होगा,
अब वैसे तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर कुछ आपको रेगुलेशंस है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है, ठीक है। देखिए कहीं भी कोई कंफ्यूजन अगर होता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछिएगा अपने सवालों को, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो देखिए हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका जो क्यू मैक्सिमम होता है, क्यू मैक्सिमम यानी मैक्सिमम जो अपवर्ड प्रेशर होगा आपका, वो कभी भी याद रखिएगा एसबीसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एसबीसी या एबीबी जो भी आपका है, ठीक है, एसबीसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है क्यू मिनिमम, यानी जो कम से कम आपका अपवर्ड प्रेशर होता है वो जीरो से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम जीरो होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये क्यू मैक्स आपका ये सिचुएशन है। अब ये दोनों चीजें आपको सेटिस्फाई करनी होगी, और क्यू मैक्सिमम जो है आपकी लेंथ पर डिपेंड करता है। क्यू कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया था कि क्यू मैक्सिमम इज क्यू का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है पी बाय ए प्लस एम बाय जेड, पी बाय ए प्लस एम बाय जेड। और यहां पर ए क्या होता है, तो ए यहां पर अगर देखें हम तो ए इज इक्वल टू बी इंटू एल होगा, ठीक है। और यहां पर जेड क्या होगा, तो बी एल स्क्वायर बाय सिक्स होगा। तो यहां पर देखिए ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर समझनी है, इसलिए इसलिए ये क्यू इस पर निर्भर है। तो हमने क्या किया कि बी को फाइंड आउट कर लिया, एल को अब हम जो है ट्रायल एंड एरर मेथड से कुछ वैल्यूज को एज्यूम करेंगे और उसको हम रख रख के देखेंगे कि यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। पहले हम कुछ एल को एज्यूम करेंगे, मान लीजिए हमने 2.5 एल एज्यूम किया कि भाई एल हमारा 2.5 है, तो एल 2.5 यहां पर रख दीजिए, इस इक्वेशन में एल की वैल्यू 2.5 रखें, ठीक है। उसके बाद फिर फाइंड आउट करके क्यू मैक्स कितना आ रहा है, एसबीसी से कम है कि नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम फाइंड आउट करते करते करेंगे। चलिए इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम लोग, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। टेबल बना के काम करते हैं सिस्टमेटिक वे में, तो आपको चीजें और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीजों को, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें ऊपर ऊपर से अगर समझा दो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा ढेर सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, और फिर वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए आप फिर चीजों को समझोगे, दिल से नहीं समझते हो जब तक आपको उसका ठोस कारण है वो बताना चल जाए, ठीक है। चलिए तो एक हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले यहाँ पर चीजें मैं लिख देता हूँ। पी हमारे पास जो है वो कितना है, 660 है, ठीक है, जो टोटल हमारे पास सॉइल में ट्रांसफर हो रहा था वो, ठीक है। और एम हमारे पास कितना है, तो एम एक्स जो हमारे पास है वो 100 है, ठीक है। अब एक टेबल बना लीजिए आप भी, ओके। टेबल में हम क्या लिखेंगे, पहले ट्रायल लिखेंगे, हम ट्रायल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायल नंबर लिखेंगे, ट्रायल नंबर 1, ट्रायल नंबर 2 एंड ट्रायल नंबर 3, ठीक है। तीन ट्रायल लेंगे हम लोग, चौथा भी आप ले सकते हो, पांचवा भी ले सकते हो, दो में ही खत्म कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप तीन ले या करो और देख लो कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज बनाएंगे, एक एल इंटू बी का, एल इंटू बी का कॉलम बन जाएगा, दूसरा आपके पास एरिया का कॉलम बन जाएगा, दूसरा आपके पास एरिया का कॉलम होगा, तीसरा आपके पास जेड का कॉलम होगा, चौथा आपके पास पी बाय ए, क्योंकि आपके पास क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, पी बाय ए प्लस और माइनस एम बाय जेड, ठीक है। तो ये सारे आपके जो टर्म्स है वो इसमें आने चाहिए टेबल में, ठीक है। चलिए तो पी हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, पी बाय ए कितना होगा वो देख लेते हैं, तो उसका भी एक कॉलम बना लीजिए, फिर एम बाय जेड क्या होगा उसका भी एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है, ओके। और अब हम पी मैक्स सॉरी क्यू मैक्स और क्यू मैक्स और क्यू मिन यानी क्यू मिनिमम, ठीक है। ये चलिए इतने कॉलम हमारे पास आ चुके हैं, ये आप भी कॉलम इस तरह से बना लीजिएगा, और जब आप मैन्युअली कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से काम कीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, कोई गलती के चांसेस ना रहे, ठीक है। चलिए तो ये हमने किया इतना, ओके। अब चलिए एक एक चीज हम यहाँ पर ट्रायल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेंथ या कौन सा डायमेंशन यहाँ पे मैच होता है। पहला हम ले लेते हैं, लेट सपोज पहला मैंने आपको बताया कि लेंथ हम 2.5 ले लेते हैं, ठीक है, 2.5 ले लेते हैं लेंथ, एज्यूम करते हैं कि पहला लेंथ 2.5, आप 2 भी ले लो, 2 भी ले लो, आप ले सकते हो, एजम्पशन कर रहे हो आप लोग, और देखना आपको आखिर में कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर हम देखते थे एबीपी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एबीपी या एसबीपी जो है 200 किलोमीटर, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर लेंथ को 2.5 मानते हैं, बी हमें पता है 1.7 ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। अब अगर इस कॉम्बिनेशन के इस डायमेंशन के साथ जाते हैं तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया आपके पास होगा 4.25, कितना होगा 4.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
4.25 मीटर स्क्वायर, इसका z जो है वो bl स्क्वायर बाय 6 आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो z होगा वो होगा 1.77 मीटर क्यूब, 1.77 मीटर क्यूब, ठीक है, z आ गया आपके पास। अब p बाय a इस इक्वेशन के मुताबिक p बाय a कितना होगा, तो ये मतलब ये लोड ये और ये इसको डिवाइड करो तो ये कितना होगा, यहां पर p बाय a की वैल्यू कितनी होगी, 155.3, ठीक है। इत्मीनान से देखिएगा इस वीडियो को, इस लेक्चर को, जल्दीबाजी ना करें, कुछ काम है तो निपटा के बैठिएगा, ठीक है, चलिए। और हाँ, ये तो आ गया p बाय a, m बाय z कितना होगा हमारे पास, तो m बाय z मतलब ये मोमेंट बाय ये जो हमने निकाला z, ठीक है, तो m बाय z की वैल्यू आ रही है 56.5, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलिए, ये p बाय a आ गया, m बाय z आ गया, इन दोनों को पहले प्लस करो तो q मैक्सिमम मिल जाएगा, इन दोनों को बाद में माइनस करो तो q मिनिमम मिल जाएगा। प्लस करें q मैक्स, देखो कितना आ रहा है, q मैक्स हमारे पास 211 आ रहा है, कितना आ रहा है, 211.8 समथिंग आपके पास q मैक्सिमम आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 200, विच इज ग्रेटर देन 200, ठीक है, ओके। और q मिनिमम कितना आ रहा है आपके पास, तो वो 98.8 आ रहा है, 98.8 आ रहा है। अब कंडीशन हमारे पास क्या थी, चलिए कंडीशन लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, आपका जो q मैक्स है ना, इट शुड बी, q मैक्स शुड बी लेस देन 200, ये एक कंडीशन है आपकी, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मैंने उसको थोड़ा यहां पर नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि हमें और भी चीजें कैलकुलेट करनी है, दिख रहा है आपको, अच्छा मैं आउट ऑफ फ्रेम जा रहा हूं, ओके चलिए फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ लेते हूँ, ये तो फ्रेम के अंदर ही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्यू मैक्स आपका 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और क्यू मिनिमम आपका 0 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन आपको दोनों फॉलो करवानी है, ठीक है। जहां जिस डायमेंशन में, जिस कॉम्बिनेशन में ये चीजें फिट हो गई, समझ लो वो आप डायमेंशन ले सकते हो। चलिए, तो पहला तो देखिए, इसमें 211 है, ये 200 से ज्यादा हो गया, तो ये भैया 2.5 लेंथ आपको नहीं चलेगी, ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब हम मान लेते हैं 2.6 का ले लेते, चलिए 2.6 ले लो, 2.7 ले लो, 20, ठीक है, ये आप जो भी आपके पास ट्रायल लेना चाहते हो ले सकते हो, तो मैं 2.6 लेता हूं, 2.6 × 1.7 कांस्टेंट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले जब हम इक्वेशन से हमने x निकाला था तो उसके बेसिस पर हमने x को, सॉरी विड्थ को निकाले, तो विड्थ यहां पर हमारे पास जो है इसकी कांस्टेंट रहेगी, बस लेंथ के अंदर चेंजेस करना है और लेंथ को हमने एडजस्ट करना है उस हिसाब से। इसका एरिया कितना होगा, 4.42, उसके बाद इसका z कितना होगा, तो 1.915 इसका z है, और इसका p by a जो है 149.3 है, और m by z इसका 52.2 है, और हाँ, तो इसका q जो q maximum है वो 201.5 आ रहा है, 201.5 आ रहा है, और q minimum जो आपका है वो 97.1 आ रहा है, 97.1 देखिए घट रहा है, ठीक है, अभी भी 201 है, 200 से ज्यादा ही है, 200 से ज्यादा है जो कि नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 200 होना चाहिए बस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2.7 ट्राई कर लेते हैं, लेट अस ट्राई 2.7 बाय 1.7, ठीक है। तो अब इसका एरिया कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4.59 इसका एरिया आ गया, सॉरी मेरे साथ असल अक्सर ऐसा होता है कि मैं बोलता कुछ और डिजिट हो, लिख देता कभी कभी कुछ और डिजिट हो, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो 59 है, ओके, जेड आपके पास 2.065 है, 2.065 है, आपके पास z आ गया, p by a आपके पास जो है वो 143.8 है, 143.8 है, आपके पास m by z 48.4 है, 48.4 है, ठीक है, और q maximum 192 है, अच्छा देखिए, q maximum 192.2, ठीक है, और q minimum आपका कितना है, 95.4, देखिए, अब देखिए जरा, इसको मैच कीजिए, ये 192.2 है और आपका मिनिमम अगर यहाँ पे देखिए 192.2 कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई हो रहा है, 192 इज लेस देन 200, देन वी कैन टेक दिस, और यहाँ अगर हम क्यू मिनिमम की बात करें तो इट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीसरा ट्रायल हमने लिया था कि भाई 2.7 बाय 1.7, मतलब 2.7 लेंथ और 1.7 इसकी विड्थ अगर लेते हैं
तो वो जो मैक्सिमम और मिनिमम वाली जो सिचुएशन थी, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिल्कुल सेफ होगा, उसमें टेंशन क्रिएट नहीं होगा और आपकी फुटिंग में आपके लिए ये बेस्ट होगा, ठीक है, बेस्ट रहेगा, इनफ डायमेंशन है ये। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो आप डायमेंशन फिक्स करोगे इसके, तो आपके फुटिंग के डायमेंशन होने चाहिए उसकी विड्थ 1.7 और उसकी लेंथ 2.7, ठीक है। तो ये तो था उसके अंदर हम कैसे उसकी यू नो विड्थ को या उसकी लेंथ को निकालते हैं, और इस तरह की फुटिंग में जहां पर इसेंट्रिसिटी है आपके ट्रांसफरिंग में, लोड में, तो वहां पर आप कैसे डायमेंशन को तय करते हो, ये एक तरीका आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी था, जो मैंने आपको बखूबी समझा दिया है। आप लोगों तक जो चीजें पहुंचानी चाहिए थी वो सारी चीजें मैंने इसकी हद तक पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक वो पहुंची होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक बता सकते हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन लेकर आता है, तो लाइक करें, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारा डायमेंशन का। अब एक चीज है, अब हम आगे डायमेंशन तो देख लिया हमने, अब बात करेंगे मोमेंट को लेकर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट को लेकर बात करेंगे, लेकिन हम मोमेंट के अंदर जो है, अब आज ही अगर मोमेंट करवा दो, रेनफोर्समेंट करवा दो, तो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, और मैं देख रहा हूँ कि लेंदी लेक्चर ज्यादातर लोग प्रीफर नहीं करते हैं। हमारे अंदर भी काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लेंदी लेक्चर ना हो बल्कि शॉर्ट ज्यादा अच्छे रहते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को हम ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं कि इस इसेंट्रिक फुटिंग के डायमेंशन को कैसे तय किया जाता है, कैसे फिक्स किया जाता है, क्या क्या उसके क्राइटेरियाज है, और हमें क्या क्या प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में देख ली है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए टेक्निकल सिविल। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए टेक्निकल सिविल। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, और पिछले वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि अब तक हमने इस सीरीज में क्या सीखा, क्या देखा और आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपसे अलविदा लूंगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, देखते रहिए टेक्निकल सिविल, बाय बाय, टेक केयर।